And I have demonstrated you how to run Servlet. I have also shared a video, that means the recording of the previous session in which I have shown you how to write a servlet and how to test it on a local server. Okay. Still, if you have any doubts, you can ask. Otherwise, I am just revising what we have discussed. See, right now, see, this is our servlet. Okay. This is hello HTML servlet. Okay. HTML servlet. You can see here, it is a simple servlet that generates HTML response. Is my screen visible to all? Yes, sir. Okay, fine. See, yes, sir. The name of the class is HTML servlet. हाँ, हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो जब सर्वलेट लिखते हैं तो हम ये तीन पैकेज को इंपोर्ट करते हैं. ओके, ये आवश्यक है करना क्योंकि हम इसमें जो क्लास आए हुए हैं उनका इस्तेमाल करेंगे. यहाँ पे हम क्लास डिफाइन कर रहे हैं HTML सर्वलेट एक्सटेंस HTTP सर्वलेट. फिर हम डू गेट मेथड को यहाँ पे ओवरराइड कर रहे हैं और इसमें दो आर्ग्यूमेंट हमें मिलती है, एक HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट जिसको हमने नाम दिया है रिक्वेस्ट, और दूसरा HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट जिसको नाम दिया है रिस्पॉन्स. ओके, ये मेथड ऐसी है कि जो एक्सेप्शन थ्रो कर सकती है, इसलिए हम यहाँ पे ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि इट में थ्रो IO एक्सेप्शन या सर्वलेट एक्सेप्शन. नाउ एज वी वॉन्ट टू जनरेट HTML रिस्पॉन्स, वी आर सेटिंग द कंटेंट टाइप ऑफ अवर रिस्पॉन्स, दैट इज रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप टेक्स्ट ऑब्लिक HTML, दैट इज द माइम टाइप. ओके, then we are retrieving an object of print writer, out is equal to response dot get writer. ये object हमें मिलने के बाद हम इसके जरिए browser को response भेज सकते हैं. तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, out dot print ln hello world. अब ये जो hello world लिखा है वो simple text नहीं है, actually वो h1 tag के अंदर लिखा है, h1 header. h1 means it is a tag for generating response in a big font or header style in html. तो यहाँ पे ये जो कोड है वो HTML का कोड है. तो यहाँ से मैं जब out.println लिखता हूँ और ये डेटा एज ए आर्ग्यूमेंट पास करता हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम ब्राउजर को एक HTML का कोड भेज रहे हैं, मतलब HTML का रिस्पॉन्स भेज रहे हैं. इसलिए हमने यहाँ पे बता दिया कि वॉट वी आर सेंडिंग इज HTML. ओके, नाउ देखो ये फाइल हमारे पास, मैंने ऑलरेडी कंपाइल करके रखी है, ठीक है, HTML सर्वलेट डॉट क्लास. इसको कॉपी करके हम कहाँ पे रखेंगे, सी ड्राइव में अपना प्रोग्राम फाइल्स जो है उसके अंदर अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, टॉमकैट, वेब एप्स, रूट, वेब INF, क्लासेस, और उसके अंदर हम इसको रखेंगे. ऑलरेडी मैंने रखा हुआ है HTML सर्वलेट डॉट क्लास. अब हमें क्या करना है, बैक जाके वापस web.xml में जाके अपनी सर्वलेट के लिए हमें वहां पे 8 लाइंस लिखनी है, कुछ टेक्स्ट लिखने सर्वलेट. और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, सर्वलेट क्लास एंड सर्वलेट नेम. सर्वलेट नेम, ओके, सर्वलेट नेम, नेम हमें जो भी रखना है हम रख सकते हैं, सर्वलेट नेम, फिर सर्वलेट क्लास. ओके, तो क्लास का नाम जो हमने यहाँ पे रखा था वही रखना पड़ेगा, HTML सर्वलेट, ठीक है, HTML सर्वलेट. डॉट क्लास या ऐसा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, केवल क्लास का, प्योर क्लास का नेम. फिर सर्वलेट मैपिंग. ओके, और फिर सर्वलेट मैपिंग के अंदर भी ये मैपिंग कौन सी सर्वलेट का कर रहे हो ये बताना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे सर्वलेट नेम हमें दोबारा लिखना पड़ता है, जिससे सर्वर को पता चले कि ये जो हम मैपिंग कर रहे हैं वो कौन सी सर्वलेट का है, सर्वलेट वन. सर्वलेट वन मतलब कि जिसका क्लास है HTML सर्वलेट. अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो यहाँ पे आपको देना है कस्टम URL पैटर्न के द्वारा, ठीक है ना, कि हमारी ये सर्वलेट कैसे URL से रन होगी.
तो हम यहाँ पे कोई भी URL दे सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा स्लैश हेलो। अब हमें अपने सर्वर को स्टार्ट करना है, मेरा सर्वर ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है, और फिर लिखना है स्लैश हेलो। ठीक है, तो ये हमारी HTML सर्वलेट रन हो गई। फिर मैंने लास्ट में आपको बताया था JSP के पेज के बारे में, ठीक है ना, कि JSP के जब राइट नाउ हम उसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको HTML को कैसे रन करवाए, JSP को कैसे रन करवाई, वो सब बताया था, तो इसीलिए मैंने डिस्कशन में तब आपको केवल बता दिया कि किस तरह से हम JSP को भी रन कर सकते हैं। देखो ये HTML की फाइल है, दिस इज फ्रॉम सर्वर, ओके। अब मुझे HTML की फाइल को भी रन करना है तो कहाँ पे रखना पड़ेगा, सर्वर को। यहाँ से मैं कॉपी करके उसको कहाँ पे रखूंगा, अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन में जो टॉमकैट फोल्डर है उसके अंदर वेब एप्स, फिर रूट के अंदर डायरेक्टली यहाँ पे मुझे उसको पेस्ट कर देना है। आ गया फर्स्ट। अब उसको रन करने के लिए मुझे क्या लिखना है, लोकल होस्ट के बाद फाइल का नाम डॉट एक्सटेंशन, ओके। तो इसका मतलब ये HTML की फाइल भी हमने सर्वर पे रखी और वहां से रन हुई है। उसी तरह से JSP की फाइल भी, देखो ये JSP की एक छोटी सी फाइल मैंने बनाई है, ये फाइल का नाम मैंने रखा है फर्स्ट डॉट JSP। JSP की फाइल को डॉट JSP से सेव करते हैं। ये PHP की तरह ही होता है, मतलब कि आप इसमें फ्रीली HTML लिख सकते हो, और जहां पे डायनेमिक कंटेंट आपको, मतलब डायनेमिक कंटेंट जनरेट करना है, वहां पे आप जावा का कोड लिखोगे। जैसे PHP में PHP का कोड लिखते थे, उसी तरह से यहाँ पे जावा का कोड, और जावा का कोड JSP के पेज में लिखने की तीन अलग अलग मैकेनिज्म्स है जो हम देखेंगे जब JSP को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तब। लेकिन अभी के लिए मैं आपको केवल ये एक सिंटेक्स बता रहा हूँ कि इस सिंटेक्स के द्वारा आप जावा का कोड लिख सकते हो। ये जो सिंटेक्स मैंने यहाँ पे यूज की है, लेस देन परसेंटेज साइन इज इक्वल टू, और अंत में परसेंटेज साइन और ग्रेटर देन, तो ये सिंटेक्स जो है उसको JSP एक्सप्रेशन कहते हैं, ओके। और यहाँ इसके द्वारा आप कुछ भी डायनेमिकली डिस्प्ले कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, केवल एक डेट क्लास का, जावा डॉट यूटिल पैकेज में जो डेट क्लास अवेलेबल है उसका पैकेज, उसका ऑब्जेक्ट बना के पास कर दिया। तो वो जो डेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के द्वारा, उसमें करंट डेट और टाइम होगा, तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा करंट डेट और टाइम डिफॉल्ट फॉर्मेट में। तो इस फाइल का नाम है फ्रेंड्स फर्स्ट डॉट JSP, और इसको मैं रख रहा हूँ अपने सर्वर पे रूट में, रख दिया फर्स्ट डॉट JSP, ठीक है। अब इसको रन करने के लिए हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट डॉट JSP। तो ये अपना JSP का पेज रन हुआ, और उसमें ये जो नीचे कंटेंट आया है वो जावा के कोड के जरिए आया है। फिर मैं लास्ट में आपको बता रहा था कि हम जिस तरह से सर्वलेट को मैपिंग करते हैं, उसी तरह से JSP को भी मैपिंग कर सकते हैं, और JSP पेज के मैपिंग करने के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो आपको पता चलेंगे जैसे आप ये सर्वलेट की टेक्नोलॉजी को पढ़ते जाओगे उस तरह से। क्योंकि हम कुछ भी देखो, अगर हम इस तरह का URL अपनी JSP के पेज को हम इस तरह का URL असाइन नहीं करते तो क्या हो जाता है कि वो एक्सपोज हो जाता है। अभी हमने देखा कि JSP के पेज को रन करने के लिए डायरेक्टली उसका नाम लिखा और वो रन हो गया। अब हम कुछ एडिशनली कंट्रोल करना चाहते हैं इस पेज के लिए तो हम वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये तो डायरेक्टली रन होता है। लेकिन अगर हम उसके लिए कस्टम URL इस तरह से असाइन करें, हम ये जो हमारी फाइल है ना web.xml, उसको कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी कहते हैं, और डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल भी कहते हैं। इसमें हम बहुत सारा सेटिंग कर सकते हैं, और इसमें हम जो कुछ भी लिखते हैं ना वो सर्वर पढ़ता है और उसे फॉलो करता है, काफी हद तक सर्वर इसको फॉलो करेगा। तो ये देखो, ये तो केवल हमने सर्वलेट के लिए एक नाम दे दिया और एक URL दिया, लेकिन URL की एडिशनली हम और भी बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ से हम दे सकते हैं इस फाइल में लिखकर। एक बार हमने सर्वलेट की पहचान दे दी, आइडेंटिटी दे दी, उसके बाद इस सर्वलेट को हम चाहे उतना पैरामीटर, बहुत सी और चीजें हैं जो पास कर सकते हैं, सिक्योरिटी अप्लाई कर सकते हैं, तो वो सब कुछ हम कर सकते हैं। कब, जब हम web.xml में सर्वलेट के लिए मेंशन करते हैं नाम उसका, तब। तो
यही चीज अगर हम जेएसपी के लिए भी करें तो जेएसपी को भी हम वही सब सुविधा, वही सब मैकेनिज्म्स जो हम सर्वलेट के साथ कर सकते हैं, सब कुछ जेएसपी के साथ भी कर सकते हैं। जैसे कि हम इनिशियलाइजेशन पैरामीटर पास कर सकते हैं, सिक्योरिटी रख सकते हैं, बहुत सारे यूआरएल्स को मैप कर सकते हैं एटसेट्रा। देखो यहाँ पे फ्रेंड्स और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको केवल एक छोटा सा एग्जाम्पल दू कि ये जो हमने यहाँ पे यूआरएल दिया, ये जो यूआरएल स्लैश हेलो, इसका मतलब क्या हुआ कि स्लैश हेलो के आने से, स्लैश हेलो जैसा कोई भी यूआरएल आए तो ये अपनी सर्वलेट रन होनी चाहिए। आप यहाँ पे बहुत से अलग अलग प्रकार के यूआरएल्स दे सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे स्लैश हेलो स्लैश एबीसी भी लिख सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो स्लैश हेलो स्लैश एस्टरिस्क। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लाइंट की कोई भी रिक्वेस्ट आए जिसमें ऐसा हो लोकल होस्ट स्लैश हेलो स्लैश कुछ भी हो तो हमारी ये सर्वलेट रन होनी चाहिए। क्लाइंट अगर ऐसा ऐसा यूआरएल देता है तो भी अपनी ये सर्वलेट रन होगी, क्लाइंट अगर ऐसा यूआरएल देता है तो भी अपनी ये सर्वलेट रन होगी, कुछ भी मतलब इस तरह का कुछ भी आए स्लैश हेलो स्लैश कुछ भी तो हमारी ये सर्वलेट हर केस में रन होनी चाहिए एचटीएमएल सर्वलेट। तो यहाँ पे हमने ये पैटर्न मैच करवा दी, इस तरह का यूआरएल कोई भी आए हेलो के बाद कुछ भी हो तो हर केस में अपनी यही सर्वलेट रन होनी चाहिए। ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स है। अब देखो हमें अपने जेएसपी के पेज को मैप करना है तो यहाँ पे मैंने आपको शनिवार को लास्ट में बताया था, वही चीज वहां पे यहाँ पे दोहरा रहा हूँ। देखो सर्वलेट नेम देना पड़ेगा उसको, हाँ वहां पे जेएसपी नेम नहीं आएगा, क्या आएगा सर्वलेट नेम। तो यहाँ पे मैं उसको नाम दे रहा हूँ माई जेएसपी, क्योंकि ये है जेएसपी का पेज। तो आपको प्रश्न होगा कि भाई ये सर्वलेट नेम क्यों हम दे रहे हैं, तो जेएसपी का पेज। लेकिन फ्रेंड्स जेएसपी का पेज भी आफ्टर ऑल ट्रांसलेट होके इंटरनली सर्वलेट बनता है अपने आप। देखो ये सर्वलेट, हाँ अब सर्वलेट क्लास जो है मैंने बताया आपको कि हमारी हमारा जेएसपी का पेज जो कंपाइल होगा तो उसके बाद इंटरनली एक सर्वलेट बनेगी, तो वो कौन सी सर्वलेट बनेगी उसका नाम क्या होगा, उसमें जो क्लास होगा उसका नाम क्या होगा वो हमें नहीं पता। इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे सर्वलेट क्लास की बजाय जेएसपी फाइल, ओके जेएसपी फाइल, और फिर यहाँ पे हमें उस जेएसपी फाइल का नेम देना है फर्स्ट डॉट जेएसपी। अभी वो फाइल मैंने कहाँ पे रखी है, जेएसपी फाइल जो है जिसको मैं यहाँ पे अभी मैप कर रहा हूँ उसको मैंने डायरेक्टली रूट फोल्डर में रखा है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे स्लैश देना पड़ेगा स्लैश फर्स्ट डॉट जेएसपी और अगेन नेम माई जेएसपी, ठीक है। और फिर यहां पे मैं उसको यूआरएल देता हूं माई जेएसपी, ठीक है माई जेएसपी स्मॉल में देता हूं मैं, क्या पैटर्न दिया स्लैश माई जेएसपी। अब स्लैश माई जेएसपी लिखने से हमारी ये जेएसपी की फाइल रन होगी। देखो स्लैश माई जेएसपी, और भी हम चाहे थोड़ा इसको अच्छी तरह से रखना, मतलब कि देखो अगर हम अपने जेएसपी के पेज को सिक्योर रखना चाहते हैं क्लाइंट डायरेक्टली रन उसको ना कर पाए, देखो हमने इसको अभी एक कस्टम यूआरएल दे दिया ओके, लेकिन अगर सपोज के किसी को पता है कि आपके उस जेएसपी फाइल का नाम फर्स्ट डॉट जेएसपी है तो वो डायरेक्टली यूआरएल देगा तो भी देखो वो रन हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि ऐसा ना हो तो आपको क्या करना है पता है, आपके जेएसपी के पेज को आपको वहां से हटा के वेब आईएनएफ के अंदर रख देना है, क्योंकि वेब आईएनएफ फोल्डर के अंदर जो भी रहेगा वो सुरक्षित रहेगा, वेब आईएनएफ फोल्डर जो है वो क्लाइंट से एक्सेसिबल नहीं है। अब क्या होगा कि अब जब क्लाइंट उसको एक्सेस करेगा डायरेक्टली नाम लिखकर तो वो एक्सेस नहीं होगा, फिर हम उसको कस्टम यूआरएल देंगे। तो अब जब हम कस्टम यूआरएल दे रहे हैं उसको तो अब यहाँ पे हमें थोड़ा उसको चेंज करना पड़ेगा, ये जो स्लैश फर्स्ट डॉट जेएसपी मैंने लिखा था तब हमारी जेएसपी की फाइल कहाँ पे थी रूट में थी, अब मैंने उसको कहाँ पे रखा है वेब आईएनएफ के अंदर, तो अब मुझे यहाँ पे यूआरएल देना रहेगा स्लैश वेब आईएनएफ स्लैश फर्स्ट डॉट जेएसपी,
ओके, क्योंकि मुझे उसका सही लोकेशन है वो तो सर्वर को बताना पड़ेगा कि मैं जो यूआरएल यहाँ पे ये मेंशन कर रहा हूँ वो कौन सी फाइल के लिए है जो मैंने कहाँ पे रखी है सर्वर में, माय जेएसपी। अब इसको ट्राई करते हैं, केवल माय जेएसपी हो गया। कुछ भी यूआरएल आप इसको दे सकते हो, वैलिड एबीसी। ठीक है, स्लैश एबीसी स्लैश एस्टेरिस्क स्लैश 123। स्लैश एबीसी स्लैश एस्टेरिस्क मतलब कुछ भी और फिर अंत में 123। सर यस, दो सर्वलेट का अगर एक ही यूआरएल रखा तो क्या होगा? दो सर्वलेट का अगर आपने एक ही यूआरएल रखा तो जो पहली सर्वलेट है वही एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, या तो फिर सर्वर आपको एरर दे देगा जब रिक्वेस्ट आएगी तब। ओके सर, थैंक यू। हाँ, देखो ये हमने यहाँ पे पैटर्न दिया स्लैश एबीसी स्लैश एस्टेरिस्क, यहाँ पे स्लैश एबीसी स्लैश कुछ भी लिखा तो अपनी सर्वलेट रन हो रही है, कुछ भी लिखोगे। एस्टेरिस्क का मतलब कुछ भी, लेकिन ये तो केवल आगे जाके आपको पता चलेगा कि आप ऐसा कब चाहोगे करना मल्टीपल। ये क्या हो गया, मल्टीपल मैचिंग हो गया, एबीसी स्लैश 1 हुआ, एबीसी स्लैश एबीसी हुआ, कुछ भी हुआ तो हमारा ये पेज रन होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे कि मल्टीपल पाथ हमने मैच किए, मल्टीपल पाथ। ऐसा तो आप बहुत सारा कर सकते हो। अभी जो रुपेश ने प्रश्न किया तो उसे भी हम देख लेते हैं। देखो ये मेरे पास अभी HTML सर्वलेट एक है, दूसरी एक सर्वलेट भी है मेरे पास, कौन सी है, हेलो वर्ल्ड। ओके, तो यही 8 lines कॉपी करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ वापस सर्वलेट 2 के लिए, और वो कौन सी सर्वलेट है, हेलो वर्ल्ड। क्लास का नाम क्या है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, सर्वलेट 2। अभी मैं इसको यूआरएल दे रहा हूँ हेलो 1। हेलो यूआरएल मैंने किसका दिया, एचटीएमएल सर्वलेट का, और हेलो 1 सर्वलेट में यूआरएल दे रहा हूँ हेलो वर्ल्ड सर्वलेट का, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे जब हेलो लिखता हूं तो हमारी फर्स्ट सर्वलेट रन होती है, हेलो 1 लिखूंगा तो ये सेकंड जो प्लेन टेक्स्ट है वो सर्वलेट रन हुई। अब सपोज कि दोनों का यूआरएल में हेलो हेलो कर देता हूं, ठीक है, तो देखो तो ओरिजिन सर्वर, यस, यहां पे हेलो और यहां पे भी हेलो, तो देखो ऐसा करने से क्या हुआ कि ये एक प्रकार की एरर हो गई, क्योंकि यहाँ पे भी हमने हेलो दिया, यहाँ पे भी हेलो दिया, तो जब हेलो की रिक्वेस्ट आती है तो सर्वलेट के पास सर्वर के पास दो मैचिंग रिसोर्सेज है, क्योंकि ये जो कुछ हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो किसके लिए लिख रहे हैं, सर्वर के लिए। अगर यहाँ पे भी हेलो दिया, यहाँ पे भी हेलो दिया, तो देखो इट डिपेंड्स ऑन द सर्वर। कुछ सर्वर ऐसे भी हो सकते हैं कि जो आपकी पहला जो रिसोर्स उसको मिलता है उसको वो एग्जीक्यूट कर देगा, या फिर देखा जाए तो यहाँ पे एक प्रकार से ये एरर है क्योंकि नेम कंफ्लिक्ट हो रहा है और एम्बिग्यूटी हो रही है। तो एम्बिग्यूटी होने से क्या हुआ कि एक प्रकार की एरर आ गई। और ये बात आप खास याद रखना कि आपकी ये जो फाइल है web.xml, अगर उसमें कुछ भी छोटी सी भी अगर एरर है ना
तो वो आपको एरर पता तो नहीं चलेगा, मतलब कि एरर का कोई मैसेज नहीं आएगा, लेकिन आपका रिसोर्स ठीक तरह से रन नहीं होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे ये नाम सेम रख दिए, तो क्या हुआ, एक प्रकार की एरर हो गई, और फिर जब हम उसको रन कर रहे हैं तो जो एरर आ रही है वो सर्वर की आ रही है, मतलब कि सर्वर को कुछ दिक्कत है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमने यहाँ पे सेम नेम रख दिए। ओके, अब उसी तरह से सपोज आप गलती करते हो कि भाई यहाँ पे ये जो सर्वलेट क्लास है ना, सर्वलेट क्लास, उसका स्पेलिंग आपने गलत लिख दिया, ठीक है, इस फाइल को मैं सेव करता हूं, अब मैं रन करता हूं, देखो अब ये जो मैंने गलती की है एक्चुअली क्लास के नेम में, वो मैंने कहां पे गलती की है, सर्वलेट टू में, ठीक है ना, लेकिन मैं रन तो किसको कर रहा हूं अभी, सर्वलेट वन को रन कर रहा हूं, लेकिन वो रन नहीं हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली आपको भले ही ऐसा लगे कि गलती जो हुई है वो सर्वलेट टू में हुई है, लेकिन ये चीज जो है वो है कहां पे, इस फाइल में है, और पूरी फाइल में कहीं पे भी छोटी सी भी त्रुटि या कुछ एरर आ गई रह गई आपसे, तो आपकी कोई भी फाइल तब रन नहीं होगी। तो ये आपको खास ध्यान में रखना है, क्योंकि कुछ कई बार ऐसा होगा आपके समक्ष, ऐसी परिस्थिति आएगी जहां पे आपके समक्ष 404 स्टेटस कोड आएगा, पेज नॉट फाउंड, आपने सब कुछ सही लिखा है, लेकिन कहीं और जगह पे भी थोड़ी मिस्टेक, मतलब किसी और टैग में छोटी सी मिस्टेक करने से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, गलती ना हो। इसलिए मैं क्या कहता हूं कि पहली बार जब हम लिखते हैं इस तरह के मैपिंग्स और वो अगर कंप्लीटली सही है, तो दूसरी बार दूसरी सर्वलेट के लिए उसको केवल यहां से कॉपी करके पेस्ट कर दो, और जहां पे चेंजेस है वहीं आप मेंशन करो। इससे क्या होगा कि टाइपिंग करने में कई बार हमसे गलती होने के चांसेस रहते हैं, तो ये गलती आपसे गलती से भी गलती ना हो इसलिए। और लास्ट में आपको ये चीज एक और बता दूं कि जो हमने अभी जेएसपी का पेज देखा, उस जेएसपी के पेज को हमने कहां पे रखा है, वेब आईएनएफ फोल्डर के अंदर। अगर हम चाहे तो इसको यहां से हटा के क्लासेस फोल्डर के अंदर भी रख सकते हैं, कि जहां पे हमने सर्वलेट रखी है, तो हमें क्या करना होगा कि मैपिंग में जहां पे हमने लिखा है वेब आईएनएफ फर्स्ट डॉट जेएसपी, वहां पे लिखना पड़ेगा वेब आईएनएफ स्लैश क्लासेस स्लैश फर्स्ट डॉट जेएसपी, और फिर उसका जो यूआरएल आप देना चाहते हो, वो मैंने यूआरएल दिया है एबीसी, ठीक है। तो ऐसा करने से अच्छा रहता है, टेस्टिंग के लिए तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन रियल लाइफ में जब आप चाहते हो कि आपका जेएसपी का पेज डायरेक्टली एक्सेस ना हो, तो इस तरह से आपको वेब आईएनएफ में रख के उसको कस्टम यूआरएल देना चाहिए। और ज्यादातर केस में तो क्या होगा पता है, कि जेएसपी का जो पेज है ना, उसको हम अपनी सर्वलेट से रिडायरेक्ट करवाएंगे, हम जब रियल प्रोग्रामिंग करेंगे रियल लाइफ में, तो हम एमवीसी आर्किटेक्चर फॉलो करेंगे, तो उसमें क्या होता है कि ज्यादातर केस में जेएसपी का पेज जो है वो सर्वलेट से रिडायरेक्ट होकर रन होता है, तो सर्वलेट से ही उसको यूआरएल उसका एक्सेस किया जाता है, क्लाइंट डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं करता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। बट जो रूपेश ने मुझसे पूछा और मैंने आपको बताया कि आपको खास ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे गलती ना हो, क्योंकि web.xml फाइल इज टू बी स्ट्रिक्टली फॉलोड अकॉर्डिंग टू इट्स सिंटेक्स एंड रूल्स। ये है एक XML फाइल, और जो प्रीडिफाइंड चीजें हैं वही आपको इसमें लिखनी है और उसी तरह से लिखना है। ये तो केवल हमने अभी उसमें सर्वलेट का और जेएसपी का मैपिंग किया है केवल, अदरवाइज ये web.xml फाइल बहुत ही उपयोगी है, इसमें हम बहुत सारा लिख सकते हैं, अलग अलग प्रकार की फीचर्स इसमें यूज कर सकते हैं। एक्चुअली पहले आपके सिलेबस में पूरा एक चैप्टर था web.xml का, फिलहाल अभी वो सिलेबस में नहीं है, इसमें बहुत सारा है, फिर भी अगर ये सिलेबस में नहीं है फिर भी काफी सारे फीचर्स मैकेनिज्म्स हमारे डिस्कशन में आएंगे कि जो web.xml के जरिए हम अप्लाई करेंगे। एनीबडी एनी डाउट टिल दिस? नो सर। ओके, तो मैंने आपको बताया, देखो वापस बताता हूं आपको कि जो
जेएसपी की फाइल है, भले ही हम जेएसपी लिखते हैं उसमें, लेकिन इंटरनली वो एक सर्वलेट बनेगी। ठीक है, ये देखो मैंने केवल एक जेएसपी की फाइल लिखी यहाँ पे, बट इंटरनली ये क्या होगा, इंटरनली इट विल बिकम अ सर्वलेट। जैसे हमने ये सर्वलेट बनाई है, ये सर्वलेट बनाई है, उसी तरह से ये एक सर्वलेट बनेगी, बट थोड़ा बहुत चेंज होगा उसमें। जैसे कि हम जब सर्वलेट बनाते हैं तो हम कौन से क्लास को एक्सटेंड करते हैं, एचटीटीपी सर्वलेट को, हम कौन सी मेथड को ओवरराइड करते हैं, डू गेट को, हम किसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं रिस्पॉन्स के लिए, प्रिंट राइटर का। तो उसी तरह से इस जेएसपी के पेज के अनुवाद से, ट्रांसलेशन से जो सर्वलेट बनेगी उसमें थोड़ा बहुत चेंज होगा, मैं बताता हूं आपको। देखो ये हमारी कौन सी फाइल है, फर्स्ट डॉट जेएसपी। तो देखो इसके लिए जो सर्वलेट बनी है उस वो मैं आपको बताता हूं। अपने टॉमकैट फोल्डर में वर्क में जाना है, वर्क में कैटलिना, कैटलिना में लोकल होस्ट, लोकल होस्ट में रूट, रूट में ओआरजी, ओआरजी में अपाचे, अपाचे के अंदर जेएसपी। अब इस जेएसपी फोल्डर के अंदर आप देखो एक ये फाइल बनी है, फर्स्ट अंडरस्कोर जेएसपी डॉट जावा। कौन सी फाइल, फर्स्ट अंडरस्कोर जेएसपी डॉट जावा। मैंने जो फाइल बनाई है जेएसपी उसका नाम क्या रखा है, फर्स्ट डॉट जेएसपी। तो इस जेएसपी पेज के लिए जब पहली बार रिक्वेस्ट आई तो इंटरनली एक सर्वलेट बनी, एक डॉट जावा फाइल बनी, उसमें वो सर्वलेट का कोडिंग ट्रांसलेट होके बना और उसका नाम क्या हो गया, फर्स्ट अंडरस्कोर जेएसपी डॉट जावा। क्योंकि सर्वलेट है तो उसकी जो फाइल बनेगी उसका एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट जावा। देखो इस फाइल को मैं ओपन करता हूं, आप देखिए इसमें क्या कोडिंग है, जनरेटेड बाय जास्पर कंपोनेंट अपाचे टॉमकैट, जनरेटेड कब ये बनी, 29 अप्रैल आज, और टाइम तो थोड़ा गलत है, कोई बात नहीं। अब देखो इसमें भी पैकेज स्टेटमेंट है, इंपोर्ट स्टेटमेंट है, फिर जो क्लास बना है, बहुत सारे फील्ड्स है यहाँ पे आप देख सकते हो। अब क्लास जो बना है पब्लिक फाइनल क्लास फर्स्ट अंडरस्कोर जेएसपी, एक्सटेंड, मैंने बताया कि हम जो सर्वलेट बनाते हैं वो एचटीटीपी सर्वलेट को एक्सटेंड करती है, लेकिन यहाँ पे जो उसका प्री डिफाइंड क्लास है एचटीटीपी जेएसपी बेस उसको एक्सटेंड करता है। और फिर अंदर जो मेथड हम ओवरराइड करते हैं डू गेट, यहाँ पे देखो मैंने सर्वलेट की लाइफ साइकिल आपको बताई, इनिट, डिस्ट्रॉय, फिर सर्विस मेथड, यहाँ पे जेएसपी इनिट अंडरस्कोर जेएसपी इनिट अंडरस्कोर जेएसपी डिस्ट्रॉय अंडरस्कोर जेएसपी सर्विस, और जो कुछ भी कोडिंग है वो इस सर्विस के अंदर लिखा है। यहाँ पे कहीं पे आपको आपका जो कोड है वो देखने को मिलेगा, हमारा ये कोड जो है चार लाइन, वो देखो यहाँ पे कहीं पे होगा है आउट डॉट राइट के अंदर HTML, this is run from server, today's date, new java.util.date, फिर HTML खत्म। मतलब हमने जो JSP लिखा वो तो केवल इतना ही है, बाकी का सारा कोड अपने आप जनरेट हुआ है, हमारा JSP का पेज सही तरह से रन हो सके इसलिए। तो हमें इस बाकी के कोड के बारे में चिंता नहीं करनी है, ये सर्वलेट के बारे में भी हमें सोचना नहीं है, क्योंकि हमने तो जेएसपी का पेज लिखा, ये सर्वलेट अपने आप बन गई। ये तो मैं केवल आपको आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि इस तरह से इंटरनली सर्वलेट बनती है हर एक जेएसपी के पेज के लिए, ओके। और ये जो आउट वेरिएबल यहाँ पे यूज किया है ना, हम तो क्या करते हैं प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, ये सर्वलेट में जो आउट ऑब्जेक्ट है ना वो एक्चुअली जेएसपी राइटर का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे कहीं पे वो डिक्लेयर हुआ होगा, आउट इज इक्वल टू पेज कंटेक्स्ट डॉट गेट आउट, JSP out is equal to out. इसको डिक्लेयर करने का कोडिंग भी कहीं पे होगा जो फाइंड करना पड़ेगा।
यस ये रहा आउट, कौन से टाइप का है? जेएसपी राइटर हम जो यूज करते हैं वो कौन है? प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट हम यूज करते हैं सर्वलेट में, यहाँ पे जेएसपी में जेएसपी राइटर का ऑब्जेक्ट है। ये आपको दिखा रहा हूं जस्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, लेकिन आपको इसमें से कुछ चीजें याद रह जानी चाहिए, ठीक है? देखो मैंने आपको ये जो अभी सर्वलेट बताई जेएसपी के ट्रांसलेशन से जो सर्वलेट बनी है वो मैंने जस्ट आपको बताया कि देखो इस तरह से बनता है, लेकिन आपको मैंने कहा कि जो आउट का ऑब्जेक्ट हम यूज करते हैं वो प्रिंट राइटर का है सर्वलेट में, यहाँ पे वो जेएसपी राइटर का ऑब्जेक्ट है। हम वहां पे सर्वलेट में डू गेट डू पोस्ट में कोडिंग करते हैं, यहाँ पे वो सर्विस मेथड के अंदर कोडिंग हुआ है। हमारी सर्वलेट में इनिट मेथड होती है, यहाँ पे अंडरस्कोर जेएसपी इनिट मेथड होती है। ये सब कुछ आपको इसलिए बताया क्योंकि कई बार एग्जाम में और आपको भी ऐसा विचार आएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्वलेट एंड जेएसपी, एंड वेरी गुड क्वेश्चन टू बी आस्क इन द एग्जामिनेशन कि जेएसपी के पेज और सर्वलेट के बीच में क्या डिफरेंस है, तो कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है? ये चीजें आप उसमें मेंशन कर सकते हो।